नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल और आपके साथ मैं हूं गौरव सिंह। हम बात कर रहे हैं आज कोविड के नए वेरिएंट यानी ओमिक्रॉन की। ओमिक्रॉन एक ऐसा घातक वेरिएंट है जो कि बहुत तेजी से फैल रहा है। नवंबर के लास्ट वीक में सबसे पहले साउथ अफ्रीका में इसका पता चला और देखते ही देखते आज की तारीख में यानी 2 से 3 हफ्ते में ये करीब करीब 63 देशों में फैल चुका है। तो सोचिए कि स्पीड कितनी ज्यादा है। इसके अलावा WHO इस बात को मान चुका है, विशेषज्ञ भी इस बात को मान चुके हैं कि जो ये ओमिक्रॉन है इसकी मल्टीप्लिकेशन की जो ताकत है वो बहुत ज्यादा है। यानी अगर एक शख्स को ये वायरस हो जाए तो करीब करीब 30 से 35 लोगों को बीमार कर सकता है। और अब भारत में इतना ज्यादा तेजी से फैल रहा है कि अभी हाल ही में आपने सुना था कि महाराष्ट्र में 7-8 नए मामले सामने आए हैं, कल फिर एक मामला नागपुर में सामने आया। तो यानी बहुत चैलेंजिंग होता जा रहा है हमारे लिए इसे कंट्रोल करना। 38 मामले सामने आ चुके हैं अब तक ओमिक्रॉन के, और इन 38 मामलों में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 18 केस सामने आए हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसे हल्के में मत लीजिए। हमारी अपील है आपसे कि आप इसे हल्के में ना लें, क्योंकि ये जो जिस तरीके से फैल रहा है, WHO इस बात को मान चुका है कि जिस तरीके से कोरोना का एक वेरिएंट आया था पिछले साल यानी कि 2021 में, जिसने एक आंधी कह सकते हैं आप इसे सेकंड वेव कह सकते हैं डेल्टा प्लस, जिसके बाद हमारे यहाँ बहुत ज्यादा बड़ा लॉस हुआ है। मतलब परिवार खाली हो गए, मौतों का आंकड़ा इतना ज्यादा था कि जान माल का बहुत नुकसान हुआ। खैर, अब बात सबसे अच्छी राहत बड़ी थोड़ी सी ये है कि जो ओमिक्रॉन है इसके बारे में WHO ने स्टडी हुई है, जिसमें माना गया है कि 2 से 3 हफ्ते में साउथ अफ्रीका में, ब्रिटेन में, बहुत सारे देशों में फैला है। और 63 देशों में फैलने के बाद अब जो रिसर्च सामने आई है उसमें ये है कि घातक जरूर है, संक्रामक इसकी जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा है, बट कहीं ना कहीं अच्छी बात यह है कि अभी तक पूरी दुनिया में एक भी मामला ओमिक्रॉन से मौत का सामने नहीं आया है। तो ये कहीं ना कहीं एक राहत भरी खबर जरूर है, लेकिन ध्यान ये रखिए कि आप इसे हल्के में ना लें। इसका मतलब ये नहीं है कि ये वायरस जो है वो खतरनाक नहीं है या घातक नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं उन्हें भी हो रहा है। जो कल चंडीगढ़ में मामला सामने आया है उसमें यही हुआ है कि जो बंदा जो दोनों डोज ले चुका था वो इटली अपने रिश्तेदार के यहां उससे मिलने गया, जैसे ही वो फ्लाइट से वापस आया तो उसे ओमिक्रॉन हो चुका था, और जबकि वो दोनों डोज ले चुका है। तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि डोज लगने के बाद ये नहीं है कि आप ओमिक्रॉन के पंजे से बच पाएंगे, वो बीमारी फिर भी आपको जकड़ में ले सकती है। लेकिन राहत ये है कि मौत अभी तक किसी की इस बीमारी से नहीं हुई है। इसलिए हमारी आपसे अपील है कि आप इस हल्के में ना लें, क्योंकि देखते ही देखते अभी एक हफ्ते पहले ही पहला मामला देश में सामने आया था बेंगलोर से, और उसके बाद हफ्ते भर के अंदर अब ये 6 राज्यों में और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में फैल चुका है। तो सोचिए कितना घातक है और कितना ज्यादा संक्रामक है। अब बात आती है कि आप इसे हल्के में क्यों ना लें। मैंने आपको बताया कि बेशक मौत नहीं हो रही लेकिन तेजी से फैल रहा है, मल्टीप्लिकेशन की जो उसकी वो है, जो वो बहुत जल्दी से बढ़ रहा है वायरस, तेजी से फैल रहा है, उसकी वो क्षमता बहुत घातक है। तो दोस्तों, हल्के में ना लेने की हमारी आप सभी ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग करें, कोरोना के जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन करें, सारे नियमों का पालन करें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो अभी इस जो ये वायरस है, जो नया वेरिएंट है, इसके बारे में अभी बहुत कुछ रिसर्च होना बाकी है। और जब तक सब रिसर्च सामने नहीं आ जाएंगी कुछ भी कहना खतरे से खाली नहीं होगा, कुछ भी कहना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि खतरा बहुत बड़ा है और खतरा लगातार हमारे सिर पर मंडरा रहा है। तो दोस्तों, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि सावधानी में ही आपकी सुरक्षा है। हमारी अपील के साथ फिलहाल आपसे लेते हैं विदा, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज नेशनल के साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक एंड शेयर भी करें। इसके अलावा आपको क्या कुछ कहना है, किस तरह के बचाव आप कर रहे हैं या किस तरह के बचाव आप लोगों को सुझा रहे हैं ताकि वो इस बीमारी से बच सके, खुद को सुरक्षित रख सके, तो अपने जो आपकी राय है वो हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर भेजें। धन्यवाद।